नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बस और आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के आंसर की के बारे में और ऑब्जेक्शन के बारे में। हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि आप आंसर की को कैसे देख सकते हैं और ऑब्जेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने बता दिया था एक वीडियो बना के कि आंसर की आ गया और उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना रोल नंबर इंटर करना है। पहले आपसे आपका रोल नंबर मांगेगा, उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। मान लीजिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 13/7, तो 07 लिखेगा, 1995 तो ऐसे लिखेगा, ठीक है ना। स्पेस नहीं होना चाहिए, लॉगिन कीजिएगा, ये लॉगिन हो जाएगा, लॉगिन वाला पेज आपके सामने अभी दिख रहा होगा आपको। उसके बाद क्या कीजिएगा, थोड़ा नीचे आइएगा, ठीक है। नीचे आएंगे तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको देख लीजिएगा। इंस्ट्रक्शन अगर आपको रीड करना होगा तो रीड करने के बाद क्लोज कर दीजिएगा। जब क्लोज कीजिएगा तो यहाँ पे मोबाइल में मैंने खोला हुआ है, तो यहाँ पे देखिए एक राइज ऑब्जेक्शन का पहले ऑप्शन आएगा, एक दूसरा कॉलम बना हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन जो खुला हुआ है वो वाइट कलर से शो कर रहा है, दूसरा ऑप्शन जो बंद है वो ब्लू कलर से शो कर रहा है। रेलवे हो, एसएससी हो या कोई भी एग्जाम टीसीएस जो कंडक्ट कराता है बैंकिंग को छोड़कर, उसमें आंसर की आपको ऐसे ही प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अब यहाँ देखिएगा, हम दूसरे लिंक पर क्लिक करते हैं, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ देखिएगा ये जो आंसर की जो आप देख रहे हैं, तीन तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में ये एग्ज़ाम हुए थे, उसका आंसर की है सीजीएल लेवल का, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिएगा नीचे क्या लिखा हुआ है, क्लिक हेयर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पेपर और आंसर की पे क्लिक किया तो यहाँ देखिएगा क्लिक हेयर टू जनरेट। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो देखिए एक नया पीडीएफ डाउनलोड हो गया और यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है, मेरा कब एग्ज़ाम हुआ, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिटेल में। तो ये आंसर की डाउनलोड हो चुका है। आप अगर कंप्यूटर में अगर इसको डाउनलोड कंप्यूटर में इसको करते हैं, जैसे मैं यहाँ प्रिंट करने का कोशिश करूँगा तो हो सकता है प्रिंट ना हो, ठीक है ना, बट इसको आप सेव कर सकते हैं कंप्यूटर में। जब वहाँ कंप्यूटर में आप क्लिक कीजिएगा तो सेव का ऑप्शन आएगा, ठीक है। अब यहाँ पूछा मुझसे सेव एज पीडीएफ, तो यहाँ भी सेव एज पीडीएफ कर सकते हैं आप, पीडीएफ के फॉर्म में इसको सेव कर लीजिए, ठीक है, शायद ये सेव हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेव का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, अब यहाँ सेव कर लीजिए, ये जो फाइल है आपका सेव हो गया गूगल ड्राइव में जाके। अब जाइए गूगल ड्राइव में और आप अपने आंसर की को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के इससे आप अपने आंसर की को देख सकते हैं। अब हम बैक आते हैं, ठीक है, हाँ बैक आ गए। अब मान लीजिए कि हमें ऑब्जेक्शन करना है, कोई क्वेश्चन हमारा गलत है, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इस वाले कॉलम पे थे, तो अब हम क्या करेंगे, राइज ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे, जो ब्लू हो गया था उस पर क्लिक करेंगे, तो देखिए ये वाइट हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ देखिएगा क्लिक हेयर टू राइज ऑब्जेक्शन, बस इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, एक नया पेज खुल गया। अब यहाँ क्या लिखा है, आइदर समथिंग वेंट रॉन्ग और चैलेंज सिस्टम डेट इज ओवर, प्लीज़ ट्राई अगेन, क्लिक हेयर, ठीक है। तो हो सकता है कुछ इनका गड़बड़ी चल रहा होगा, वेबसाइट में कुछ गलत होगा। तो यहाँ देखिए मैंने दोबारा से क्लिक किया क्लिक हेयर पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड्यूल फोर कैंडिडेट रिस्पांस करेक्ट आंसर और सबमिट रिस्पांस इफ़ एनी। तो यहाँ पे आपको इस एग्ज़ाम के लिए सबमिट करना है ना, यहाँ पे क्लियर है, सीजीएल के लिए 2019 टीयर वन के लिए आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं ना, तो इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा कि यहाँ पे देखिएगा, रिप्रेजेंटेशन अबाउट दी आंसर की मे बी सबमिटेड थ्रू दी ऑनलाइन सिस्टम, क्लिक हेयर किए, ठीक है। अभी हो सकता है कि वहाँ पर कुछ गलत हो रहा होगा, मतलब वेबसाइट कुछ गलत होगा, तो इसलिए अभी प्रॉब्लम हो रहा है ऑब्जेक्शन करने में, बट आप लोग ट्राई कीजिएगा, ऑब्जेक्शन भी करना बहुत ज़्यादा आसान है। मैं कोशिश करूँगा कि ऑब्जेक्शन पर भी वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करवा दूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।